जे गलियां और चौबारा भोपाल आना ना गोबारा, नहीं तरी इतनी गले लटिया के पानी में भीगे भीग रो, पानी में भीगे तुम गिरो। भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय होता नहीं। चलो बुंदेली चुगली देखा तुमने आज भैया, राजभवन को घेरा को कार्यक्रम हो तो भोपाल में, और कांग्रेस ने को आह्वान करो तो कमलनाथ से लेकर दिग्विजय जितने 30 मार्च का कांग्रेस के थे सबने आह्वान करो तो, और प्रदेश भर से कार्यकर्ता जोड़े थे, कार्यकर्ता जोड़े राजभवन के घेराव के लाने पहुंचे, प्रदर्शन शुरू हुआ लेके ऊके भाग जो थे भाव के पुलिस ने लठियां भानी तथा तथा भीड़ करी, फिर कैनन के गने होती ना पानी की बौछा कर बेबौछा ऐसी सर्दी में ठटोर के धरदाओ आदि इनके, और उसके बाद फिर और अलग नाटक करो, फिर गिरफ्तारी भी कर ली दिग्विजय सिंह को, सब जन के पकड़ भी लो, तो स्थिति बड़ी खराब होती। चलो देख लो जा खबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में आज 3 काले कानून कृषि कानून के विरोध में राजभवन को घेराव करो हो। सवेरे दोपहर के 12 बजे सब जन एकत्रित होकर किसानों के संग लेके और राजभवन की तरफ कूच करे, जैसे ही कूच करे तो पुलिस ने पहले बलपूर्वक रोके को प्रयास करो, इन्हें रोको कि भैया आगे ना बढ़ो तो मैं आगे जाओ खतरनाक हो जाए, लेकिन जब जो नहीं माने तो उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करो तो ना से गदबद मां से गदबद चारों तरफ से गदबद मची और बम चक मच गई इतनी खतरनाक तरीके से कि परेशान भगत तेरे कांग्रेस कार्यकर्ता ही पानी की बौछार करी गई। कजू कार्यकर्ता बिल्कुल डटे थे कि हमें नहीं जाने, हमें तो बिल्कुल आगे बढ़ने, लेकिन प्रशासन ने नहीं माने, प्रशासन ने बाद में कछु इनके गिरफ्तार भी कर लो, दिग्विजय सिंह उनके जेल भी भेजो और उसके बाद फिर केंद्रीय जेल में उनको रखोगा, बाद में भली मुचलका पर छोड़ देगा। लेकिन बता रहे कि आज कांग्रेस ने ये चीज़ के कही है कि प्रदेश में किसानन के लेके जो करो जाओ देश में उनको अगर विरोध कर रहे लोकतांत्रिक तरीके से अगर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही तो लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पर लाठी चार्ज करके भाजपा सरकार ने करी है, इको जवाब आने वाले समय में सरकार के मिले और देश में प्रदेश में ये चीज़ के लाने किसान आज भी अपने हक के लाने लड़ रहे, लेकिन भाजपा वाले आंदोलन के कुचलियों को लगातार प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप भी लगाए प्रदेश सरकार पर। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी या वही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें किसान पर गोली चलवाई थी और उसके बाद अब ये किसान के हितैषी बन रहे, इसके लेके क्या कह रहे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, इनकी भी बात सुन रहे अपन। कांग्रेस जो है उनके अपने स्वत्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व उनका जो है उसके लिए कुछ तो वो करेंगे ना, तो इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, जो कानून बने उनके साथ खड़ा है, हम सब ने देखा है, इसलिए अब इनके आंदोलनों से कोई किसानों पर असर पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे बीडी शर्मा जिन ने कही है कि भैया कांग्रेस जो आंदोलन जो कर रही केवल दिखावा कर रही, इनकी कत्ती करनी में बहुत अंतर है, ये अलग बात राजनीति सियासत चलत रहे, लेकिन हम जो बता रहे हैं कि अब कांग्रेस इकट्ठी हो रही और इकट्ठी हो रही मतलब अब उन्हें अपनी ताकत के साथ रहो इधर कमाऊँ, कांग्रेस प्रदर्शन कर थोड़ी कर भाई, विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं भाई, लेकिन अब लग रहा है छतरपुर में कुछ दिन पहले प्रदर्शन बहुत तो कांग्रेस नेता इकट्ठे हो गए, भोपाल में सब इकट्ठे हो रहे, अगर इकट्ठे हो गए तो आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत हो सका तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सका। अब हम ले रहे भैया विदा, जयराम जी। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी मार्ट के पास मधुबन हाइट्स, एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है, एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और DPS स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आपका मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 2400 घंटा CCTV कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स।
प्रोजेक्ट में आप खां बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन सीलिंग वॉलपेपर लाइट्स वुडन पैलिंग दरवाजा और खिड़की सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के जोर सराबा से है बिल्कुल दूर।